शाहजहांपुर की सुप्रसिद्ध न्यू ट्रू टेंपल ऑफ एजुकेशन के संचालक सत्यम वाजपेयी से जब यूएफटी न्यूज 24 चैनल के रिपोर्टर मुकेश शुक्ला ने बात की, तब सत्यम वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने जब कोचिंग शुरू की थी तब उन्होंने निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए कोचिंग शुरू की थी। संचालक सत्यम वाजपेयी ने चैनल को बताया कि उन्होंने पैसों के अभाव के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, क्योंकि सत्यम वाजपेयी उन सब समस्याओं से गुजर चुके हैं जो समस्याएं निर्धन बच्चों के साथ होती हैं। सत्यम वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने इसलिए डीकेडी ग्रुप कैलिफोर्नियम इवेंट्स नाम की एक सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाया है, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों की शिक्षा और गरीब कन्याओं का विवाह करना है। सत्यम वाजपेयी के इस हौसले को यूएफटी न्यूज 24 सलाम करता है। बात करते हैं सत्यम वाजपेयी जी से, जो कि शिक्षा और सामाजिक संगठन चलाते हैं, न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन के नाम से शिक्षा का कार्य और कोचिंग चलाते हैं। आइए बात करते हैं सत्यम वाजपेयी जी से। पहले तो सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रहेगी शिक्षा की बात, तो शिक्षा का स्तर यह है, धीरे धीरे करके बड़ा सारा बदलाव आया। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले यह पोजीशन थी कि लोग लड़कियों को भेजना भी नहीं पसंद करते थे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह था कि बहुत सारे लोग स्कूल ही नहीं भेजते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि लोग बढ़ना शुरू हुए और पहुंचना शुरू हुए, अब लड़कियां भी साइंस साइड ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश तो करते हैं कि हम पढ़े या अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास ये पोजीशन नहीं है कि वो पढ़ा सके। तो यही कोशिश है हम लोगों की, हमारी कोचिंग में न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन और एक सोसाइटी हमने रजिस्टर कराई थी, वो भी इसीलिए काम कर रही है कि गरीब बच्चों की शिक्षा और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए हम लोग कुछ कर सके। तो यही है, आप सब लोगों का सपोर्ट है और ये ट्राई करते रहते हैं हम लोग कि किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे अभी हमारी सोसाइटी की तरफ से एक पेपर कराया गया था, उस पेपर में यह था कि जो भी व्यक्ति सिलेक्ट होगा, लगभग 300-400 लोगों ने वो पेपर दिया था, और उसमें टॉप 10 लोग जो सिलेक्ट हुए थे उन्हें बिल्कुल फ्री शिक्षा हमारी तरफ से दी जा रही है और लोगों तक पहुंच रही है। उसी तरीके से जब सोसाइटी की बात आती है तो सोसाइटी में ये होता है कि लोग कहते हैं कि सोसाइटी काम करेगी, इसका मतलब ये रसीद लेके आ जाएंगे और कहेंगे भैया लाओ भाई पैसे लाओ सोसाइटी चलाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने कैलिफोर्निया इवेंट्स नाम से बनाया है और उसके जरिए आप जो भी प्रोग्राम कराएंगे, प्रोग्राम का क्या होता है, जैसे मान लिया आपके घर में कोई हलवाई आ रहा है या कोई भी काम करने वाला है, तो काम तो आपको करवाना ही है, आप उससे कराएंगे। इससे अच्छा आप ऐसी जगह करा लीजिए, उससे अच्छे बजट में आप ऐसी जगह करा लीजिए जहां पर आपका कम बजट में अच्छा प्रोग्राम हो जाए, आपको दिल से सुकून हो, पैसे देते हुए भी गर्व हो कि जहां पे मेरा पैसा गया है वो किसी कायदे के काम में गया है, गरीब बच्चों की शिक्षा में गया है, गरीब कन्याओं के विवाह में गया है। तो इसीलिए हमारा ये कैलिफोर्निया इवेंट उसके लिए काम कर रहा है और जो भी काम इससे होते हैं वो सारे के सारे इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बाकी कोचिंग के जरिए शिक्षा तो पहुंच ही रही है और हम हमेशा कहते हैं 10 साल अब हमें पढ़ाते हो जाएंगे अगली साल, और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो आया हो मेरे पास फीस नहीं है इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आदमी आता है इतने हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तो बस यही प्रयास है लोगों तक पहुंचने का। बाकी बढ़ रहे हैं लोग इस तरीके से। आप आज इस स्टेज पे हैं, आपकी इस स्टेज पर पहुंचने तक का सफर कितना क्या कैसा रहा? सफर के लिए तो यही कहेंगे आप, जैसे ये जितना भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं सफर से ही कनेक्टेड है। सफर का ये है, आज से जब हमने 23 जुलाई 2012 को पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ये अंदर से बड़ा डर लगता हर आदमी को कि किस तरीके से काम किया जाए। तो हुआ क्या, 23 जुलाई डेट थी और दो बच्चों ने हमसे कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, वही बात शाहरुख खान ने भी कही है, अगर किसी चीज को सिद्ध से कहो, बात वही है। हम लोग पुराने को पकड़ के चलते हैं क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद मन में था कि हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए होते हैं, कहां से पढ़ाएंगे। तो ऊपर वाले की दुआ रही, दो बच्चे आए, उन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो 23 तारीख उन्हें एक्चुअल में टाइम दिया था पहले 20 तारीख। अब अंदर से थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, अच्छा लगभग 23 साल हो गए हमारे पिताजी जो है एक्सपायर हो गए थे, तो जो करियर रहा नाना जो है उन्होंने पढ़ाया वही चल पाया जिंदगी में, बाकी हमारी मम्मी जो है जब तक उन्होंने बीएससी फाइनल किया तब तक वो हाथ से कपड़े सिल सिल के पहनाती थी। तो एक हमारे साथी थे जेपी मिश्रा जी, उन्होंने हाई स्कूल में हमें फ्री पढ़ाया था, बहादुरगंज में रहते हैं और बहुत अच्छे इंसान है, वो भी एसपी कॉलेज में लेक्चरार थे, तो उन्होंने फ्री हमें पढ़ाया था और वहीं से हमने सोचा कि पढ़ाना तो हमें भी, और जब हमारी किसी ने मदद की तो हमें भी किसी की मदद करनी है। तो 2012 में जब हम इस लायक हुए तो हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन वो बच्चे पढ़ने ही नहीं आए, और नहीं पढ़ने आए तो सुबह 7 बजे तैयार होकर बैठे, बड़ा बुरा लगा और डर लगने लगा कि अब कैसे करेंगे। 21 तारीख हुई, 22 तारीख हुई, 23 तारीख जब आई तो 23 तारीख को एक बच्चा आया पढ़ने को,
और उस एक बच्चे तब हमें 200 रुपए मिला करते थे, ठीक है। फिर 200 से दो बच्चे आए, 450 हो गए, और उस साल टोटल 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हुए, 950 रुपए हमें टोटल मिलने लगे, और साल खत्म होते होते मेरे पास 3-4 हजार रुपए हो पाए। उस समय मेरे घर में पन्नी पड़ी हुई थी, नीचे सब कुछ नहीं बना हुआ था, ये 4 मंदिर पूरा बन गया है ऊपर तक, ऊपर वाले की दुआ से अभी बना है, बाद में बनवाया, पहले कुछ नहीं था, पन्नी पड़ी थी घर में। तो वो जो 4 हजार रुपए, उससे पहले मैंने सीट बनवाई, और जब सीटें बनवाई तो मोहल्ले वाले लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया कि शहर में एक और मास्टर आ गया है और फ्लैग सीट टंग गया है। लोग हमसे पूछते थे कि भैया बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने, कितने बच्चे हैं, कब आएंगे। तो एक वो दौर था, फिर एक ऐसा दौर आया जब बैठने के लिए जगह नहीं थी, और अभी भी कहते हैं शहर में कौन कितने पढ़ाता वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास जितनी जगह है, जब मेरे पास 10 बैठाने की जगह थी तो 10 बैठते थे, 50 बैठाने की जगह थी तो 50 बैठते थे, 150 बैठाने की जगह हुई तो 150 बैठे। आप सबका साथ और दुआएं नहीं तो आने वाले टाइम में 500-600 भी बैठेंगे, वो कोई बड़ा मैटर नहीं। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बैठ कितना रहा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें से कितने संतुष्ट हैं, कितने लोग, ये देखिए दो बातें होती है, हर चीज का एक मार्केटाइजेशन होता है। उसमें क्या होता, आदमी डर गया, अरे यार यहाँ इतने बच्चे आ रहे हैं, हम जाएं कि ना जाएं, फीस बहुत ज्यादा तो नहीं होगी। तो हर बच्चे से इतना माहौल हमारा बना हुआ पुराना कि कोई बच्चा, अरे यार अपनी कोचिंग है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, जैसा है चल रहा है, और बाकी शुरुआत जहां से भी हुई जैसी भी हुई, हम एंड में हर आदमी से एक ही बात कहते हैं, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन आंधी चलेगी, लोग कहेंगे हो क्या रहा, और फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता, मुंह चलाने वाले सिर्फ चलाते हैं, आपको अपना काम सिर्फ मेहनत से करता है।